संस्कार वृश्चिक राशि अनुराधा नक्षत्र में जन्म जातक का गुण धर्म स्वभाव एकपादी देवगण पे जन्म और ये मंगल क्षेत्री होते हैं। श्याम वर्ण इनका रंग होता है। हाथ में मत्स्य रेखा या मत्स्य चिन्ह इनके पाए जाते हैं। हाथ में ऊर्ध रेखा और मत्स्य अंकुश चिन्ह भी इनके हाथ में प्राप्त होते हैं। शरीर के दक्षिणे दाहिने तरफ काला तिल भी इनका मिलता है। विचक्षण बुद्धि संपन्न ऐसा व्यक्ति होते हैं, विद्या विभिन्न प्रकार के विद्या में निपुण होते हैं। दाता होते हैं, बंधुओं को अपना वस्त्र इत्यादि भी दे के बहुत खुश होते हैं। सुशील स्वभाव, दयावंत, उदार हृदय इनका होता है। काव्यादि विनोद करते हैं। गुरु वैष्णव ब्राह्मण पे विश्वास करने वाले, श्रद्धा करने वाले, विष्णु पूजक ऐसे जातक होते हैं। 2 से 4 तक भार्या या स्त्री इनका हो सकता है, गारंटी नहीं है। श्रीमंत धनवान होते हैं, आजन्म सुखी होते हैं। दुख का इनके जीवन पे बहुत कम आसार रहता है। राज्य सेवा में रत, राज्य योग्य, राजा का सेवाकारी ऐसा जातक भी देखा जाते हैं। बहुत सारे पेड़ लगाने वाले, वृक्षों को प्यार करने वाले, जमीन इत्यादि प्राप्त इनका जीवन पे होता है। धन धान्य गोपोलक्ष्मी इनके जीवन में परिपूर्ण रहता है। अच्छे जान, अच्छे वाहन भी इनको जीवन भर में प्राप्त होते हैं। इनके जीवन पे हमेशा लक्ष्मी का आशीर्वाद रहता है। अमृताहारी, सात्विक आहार करने वाले, गाय के दूध दही घी मक्खन मिश्री को बहुत प्रेम करने वाले और सम्मान देने वाले और उसको प्राप्त करने वाले और भोग करने वाले ऐसे जातक होते हैं। तीन पुत्री और 2 पुत्र इनका जीवन पे होने का संभावना रहता है। अति सरल सहज स्वभाव, उत्तम वचन बोलने वाले ऐसे जातक होते हैं। पत्नी को बहुत प्यार करने वाले ऐसे जातक, पाप पुण्य में विचार करने वाले और धर्म के मार्ग पे चलने वाले ऐसे जातक होते हैं। शीघ्र शीघ्र गमन करने वाले, जल्दी जल्दी में ये अपने जीवन का कार्य करने वाले होते हैं। परस्त्री, शीघ्रता से कोई भी कार्य को तुरंत शुरू कर देने का क्षमता इनके रहता है। परस्त्री में रुचि रखने वाले, परस्त्री को स्नेह करने वाले भी ऐसे जातक होते हैं। धर्म में रति, धर्म में मति और ऐसा जातक स्थिर बुद्धि, धीर बुद्धि संपन्न भी कुछ जातक मिलते हैं। अल्पाहारी होते हैं, उत्तम आहारी होते हैं। क्षुधातुर और पित्तदेही, इनके शरीर पे पित्तजनित रोग और कष्ट मिलते हैं। भूख सहन कर नहीं पाते, भूख लगे तो तुरंत खाएंगे, नहीं तो उसका व्यवस्था करने वाले ऐसे जातक होते हैं। बचपन में क्षणकोपी भी होते हैं, राजपूज्य होते हैं, राजा का स्नेही होते हैं, राजा से इनको बहुत सारा लाभ मिलता है। जीवन के ऐसा जातक कामाभिलाषी, श्रृंगार रस में रुचि रखने वाले ऐसे जातक भी मिलते हैं। जीवन के 36 साल में ये विख्यात हो जाते हैं। इनका नाम सुनाम सुख्याति प्राप्त होता है ऐसे जातकों का। कभी बहुत साफ सुथरा चंदन लगाने वाले, कभी गंदा होके घूमने वाले ऐसे जातक होते हैं। सुंदर मुख, सुंदर दिखने वाले ऐसे जातक, पुष्प आदि में अति प्रेम रखने वाले, स्नेह रखने वाले ऐसे जातक होते हैं। इनका दांत बहुत सुंदर रहता है, मुक्ता जैसे इनका दांत, छटा इनका बहुत सुंदर होता है। कभी कभार झूठ बोलने में भी दिखाई देता है ऐसा जातक। हास्य में निपुण, हंसने में माहिर और हंसाने में भी माहिर, दूसरे को खुश करने में भी माहिर होते हैं ऐसा जातक। सुचतुर, विद्यावंत और अति प्रेमी भी होते हैं। सबको प्रेम करने वाला और सबसे प्रेम पाने वाला मेधावी, ज्ञानी, गुणी भी ऐसे जातक मिलते हैं। जन्म से दूसरा साल पे इनका जीवन पे दुष्टि दोष, दुष्टि पीड़ा होता है। जन्म से 8 साल में पेट जनित रोग, पेट जनित पीड़ा और 11वां साल में बसंत पीड़ा इत्यादि चर्म रोग होने का संभावना रहता है। जन्म से 17 साल में शस्त्राघात इत्यादि होने का भी संभावना रहता है। जन्म से 19 साल में शनिपात, जर जनित रोग। जन्म से 21 साल में पत्नी या पुत्र से कष्ट या द्वारा कष्ट उनको प्राप्त होने का संभावना भी रहता है। जन्म से 45 साल पे राजभय, राजदंड का भी योग है। जन्म से 52 साल में मृत्यु तुल्य पीड़ा, मृत्यु तुल्य कष्ट, भिन्न भिन्न कारण से मानसिक कष्ट, मानसिक अवसाद में भी इनका संभावना रहता है। जन्म से 55 साल में ज्वरादि पीड़ा, पाली ज्वर, मलेरिया ज्वर का भी संभावना इनके जन्म में दिखाई देता है। इस प्रकार के कष्ट रिष्ट पीड़ा से अगर बच जाएं तो ऐसा जातक जन्म से 85 से 85
उमर पे ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया रविवार के दिन इनका अंत होता है या प्राणवायु जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। जो भी फलादेश यहाँ बताया गया ये केवल इन राशि और नक्षत्र वालों को होगा ऐसा नहीं है, उसके उपरांत भी पूरे कुंडली को विश्लेषण करने के बाद राशि का और लग्न या लग्न का या नक्षत्रों का और ग्रह दृष्टि युति इत्यादियों का देखने के बाद ही इस प्रकार के फलादेश किया जाता है। हमें संपर्क करना है तो कुंडली विशेषण या किसी प्रकार के ग्रह शांति इत्यादि ग्रह जनित समस्या हेतु आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर 9437580589 या फिर 9938727418 पे संपर्क कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।